आई कैन नॉट बिलीव इट, हमको कितने कॉमेंट्स आए हैं। ये यहाँ से आप देखते जाओ, इतने सारे कॉमेंट्स है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल एकदम गार्डन हो गया कि फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं अभी ही आप लोगों के साथ ये इसको अनबॉक्स करूंगा। How is it? You wanna be a pilot? You have a good rest of your day. Have a good weekend. We'll talk again. We'll talk again on Monday. Thanks, Andrew. Yeah, take care. Bye. Friday के दिन पे 3:40 को अगर मीटिंग खत्म कर रहा हूँ मैं, तो सोचो मेरे पास क्या टाइम बचा है फ्राइडे का। इतना बकवास फ्राइडे स्टार्ट हुआ है, मतलब लिटरली सुबह से मैं कॉल्स पे हूँ, 9 बजे से कॉल्स पे हूँ मैं, और अभी का टाइम हुआ है 3:40, और सुबह से लगभग मैंने 9 मीटिंग्स अटेंड की है। सारी मीटिंग्स यहाँ बैठ के अटेंड नहीं की, सारी मीटिंग्स बैठ के अंदर अटेंड की थी, कुछ पिछली 4-5 मीटिंग्स यहाँ बैठ के अटेंड की है। बट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये हमारा फेवरेट स्पॉट बनने वाला है, ये मेरा फेवरेट स्पॉट बनने वाला है पूरे घर का, पूरे बैकयार्ड का, जहाँ मैं बैठ के आराम से अपनी मीटिंग्स ले पाऊँगा, और जहाँ मैं बैठ के अपना सुबह सुबह का पानी पी पाऊँगा, लाइक यू नो, जस्ट अपने दिन को पूरा, समर को पूरा एंजॉय करने के लिए ये मेरा फेवरेट स्पॉट बनने वाला है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी ना इसके पहले कि मैं आपको यहाँ का सेटअप दिखाऊँ, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि देखो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ फ्राइडे के बारे में। ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हमारे पास जॉब है यार, ऐसे सिचुएशन में जिस तरह का यू नो इकोनॉमी चल रहा है कनाडा में या इंडिया में या कहीं पर भी, जिस तरह के एक्सपेंसेस है लोगों के, ऐसे में जॉब होना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। सो आई एम काउंटिंग माई ब्लेसिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि एक जॉब है विच इज़ ब्रिंगिंग फूड टू द टेबल, विच इज़ पेइंग मी वेल, एंड यू नो विच इज़ मेकिंग मी रियलाइज ऑल माई ड्रीम्स एंड फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स। यू नो ये सारी चीज़ें जो मेरी पूरी हो पा रही है, ये बिकॉज मेरे जॉब की वजह से ही है। तो आई एम हैप्पी कि मेरे पास जॉब है, मेरा कोई कंप्लेन करने का इरादा नहीं था। हमसे कल रात को बिलीव में रहा नहीं गया कि हम लोग सुबह तक वेट करें एंड सुबह सारा फर्नीचर बाहर लेके आए। तो जैसे हमने वीडियो एंड किया, उसके बाद आंचल ने बोला कि प्लीज़ यार, अगर हम इसको बाहर रख सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ यार, रख के तो देख सकते हैं। फिर जैसे हमने रखना शुरू किया, 2-3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया, किस जगह पे क्या होना चाहिए, टेबल का होना चाहिए, तो वो सारी सेटिंग करने के बाद फाइनली हमने कुछ ऐसा अरेंज किया है। आप लोग बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा है ये। अभी मैं आपको फटाफट से एक लुक दे देता हूँ जो हमने फर्नीचर कल असेंबल किया है बैठ के, जिसको हम लोग 2-2.5 घंटे लग गए, वो लग कैसा रहा है हमारे इस डेक पे। सो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक मस्त सी चेयर रखी हुई है। आंचल ने ये कुशंस भी मंगा लिए थे, लेकिन हम लोग श्योर नहीं है इस कुशंस के बारे में, बिकॉज हम लोग को थोड़ा सा मैचिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, लाइक रेड एंड ऑरेंज कुछ खास लग नहीं रहा है। सो ये एक चेयर यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर हमने लव सीट रखी हुई है, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, इसको हम यहाँ रख सकते हैं या तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं, एंड एक वाली चेयर यहाँ रखी हुई है। तो ये कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ है हम लोगों ने, मैं पीछे जाके आपको एक अच्छे से दिखा देता हूँ व्यू, ऐसा कुछ सेटअप है या ऑप्शन नंबर 2 कुछ ऐसा सेटअप है। तो अभी हम सोच रहे हैं, जैसे मैंने अभी देखो टेबल मूव कर दिया, तो या तो टेबल को यहाँ रखें इन दोनों के पास, या टेबल को वहाँ रखें। वैसे ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें बहुत डेकोरेशन करना है। तो आई नो आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कब आएगा हमारा बैकयार्ड टूर, आएगा, लेकिन मुझे लगा था कि यार मेरे को आपसे ये रुका के नहीं रखना है, जो जैसा मैंने सेटअप किया वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह आपको ये रिकॉर्ड करके दिखा दिया है। अब आप लोग का काम है कॉमेंट करके बताना और मुझे सजेस्ट करना कि कौन सा सेटअप अच्छा लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 वंस अगेन यहाँ पर टेबल है, ऑप्शन नंबर 2 वहां पर टेबल है। सो जस्ट टेक अ क्विक लुक एंड जल्दी जल्दी जाओ और कमेंट्स करो। ये चाहिए आपको, ये भी चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा वो भी चाहिए। अच्छा ये क्या है टिकी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैंगो। इसको मैंगो बोल रहा है, मोतीचूर लड्डू को मैंगो बोल रहा है, उसका कलर वैसा है ना, इसको ये सब चाहिए। सो हम लोग जो है आए हुए हैं हिमालय स्वीट, जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमको स्वीट्स लेना है। अब स्वीट्स क्यों लेना है वो हम लोग आपको घर चल के थोड़ी देर में बताते हैं। बड़ा स्पेशल सा प्लान है जिसके लिए हम आज स्वीट्स खरीदने हैं, जिसके बारे में आपको ऑफकोर्स आपको तो बताएंगे ही, बट थोड़ी देर में बताएंगे। इसको सब खाने का मन कर रहा है, हर चीज पे हाथ लगा रहा है, बोल रहा है देश देश देश। सबसे ज्यादा उसका मन ये कर रहा है पिंक चमचम खाने का, कलर देख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, क्या चाहिए आपको? अभी ये चाहिए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट? ओनली दिस एंड व्हाट एल्स? टेक। हाँ वो बोल रहा है टेक, अभी लेते हैं अभी। चलो भाई खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन बहुत एक्साइटेड है, वेट नहीं कर पा रहे हैं, बस बाहर निकले हम। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो क्या क्या लिया है हमने? अचल हमने लिया मट्ठी ली, हमने लिया चमचम, इसको वो पिंक कलर का चमचम पसंद आ रहा था वो लिया, और हमने रसमलाई ली है, और हमने लिया वो आंचल के लिए रसगुल्ला। आंचल को रसगुल्ला पसंद है, आंचल को रसमलाई नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ उसके लिए अलग लिया है। क्यों लिया इतना सारा आइटम? आई एम श्योर आप वंडर कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे घर चल के बताऊंगा, पहले इसको एंजॉय तो करें खाने में। वो जैसे गाड़ी में बैठे हैं वैसे उसने जिद करके मांग लिया, भैया मेरे को चाहिए, जरा वेट नहीं किया उसने। नाइस मम्मा, नाइस मम्मा, शेयरिंग नहीं करेगा वो, मीठे में थोड़ी शेयरिंग करेगा वो। देखो लाओ भाई मेरे को भी खिला दो,
बहुत मस्त है। इसमें इतना नारियल है ना, मेरे को नारियल बहुत पसंद आता है। टूटू को मैं पिकअप करना है उसके फ्रेंड के घर से, वो ये कोई टॉय उठा के लेके आई है उसके घर से। उसने पता है क्या बोला, स्विचरू। अब ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है स्विचरू का इनका, ऐसा है। So if she doesn't like something, she'll give it to me and I keep it for 1 week. And then when we meet next, I'll ask her, do you want it back? If she says no, then I can keep it forever. If she says yes, then I'll give it back to her. ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि कोई भी नया टॉय दिलाओ ना इनको, ये हफ्ता भर खेलना है इन्होंने, एंड देन उसके बाद वो कहाँ रूम में पड़ा रहता है और वो बस खाली उस पर मिट्टी पड़ती रहती है, वही हाल होता है। तो ये अच्छा है ना कि हफ्ता भर खेल लिया फिर उसने रिटर्न दे दिया, जब वो हमारे घर आएगी उसकी फ्रेंड, उसको कोई टॉय पसंद आएगा जो उसको बड़ा यू नो मन कर रहा है, वो ले जाएगी हमारे घर से। चलो ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे, बट ये कुछ उठा के लेके आएगी। चलो ठीक है, ये चोरी पकड़ी गई, ये चोरी पकड़ी गई। ये अभी के लिए लाए थे, कब के लिए लाए थे तुम? ये खा लो, पहले तुम एंजॉय कर लो, पहले एंजॉय कर ले उसके, क्योंकि हमने तो एंजॉय कर लिया। मैंने तो वो कोकोनट वाली खा ली भाई, क्या टेस्टी थी वो कोकोनट वाली। और मैं बता रहा था जैसे मेरे को कोकोनट वाला बर्फी, कोकोनट का कुछ भी हो ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बड़ा मजा आता है मेरे को। मुझे ये बहुत पसंद है, और मुझे रसमलाई पसंद नहीं आती है, इसके लिए मैंने अपने लिए लिया था। और ये क्यों लिया है बताया? नहीं मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं तुमको पूछ रहा हूं भाई क्या चल रहा है। तो कल हमारे घर में कोई स्पेशल आ रहे हैं फैमिली, एंड हम लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये हम चाहते थे बहुत टाइम से, उनको हम बुला रहे थे बट कभी हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ बिजी, कोई कभी वो बिजी हो रहे थे कभी कुछ, बट फाइनली कल वो लोग आ रहे हैं। एंड आप शायद आप लोग उसको जानते हैं, नहीं जानते तो कल का वेट करिए। हाँ, नहीं जानते तो जान लोगे, सही बात है। नहीं उनको जानते ही होंगे, जानते ही होंगे, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, वो तो है। तो आपको ने कल देखा ही था, हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए थोड़ी, तो हम लोग कुछ ऐसे उनके थोड़ा छोटे मोटे गिफ्ट लेने गए थे, वो लेके आ गए हैं। घर की सफाई बची थी यार, बच्चों वाला घर है और हमारे तीर तो बहुत पूरे घर जगह हाथ और पेंसिल कुछ ना कुछ करते रहते, तो वो सब खैर पूरा नहीं मिटा सकते क्योंकि बच्चों वाला घर है वो रहेगा। बट मैंने आज पूरा लग के ऊपर का फ्लोर पूरा साफ कर दिया है, अब नीचे के फ्लोर की भारी ओम कर गई है, तो वो सब। और वो आप देख ही रहे हो, देखो किस तरह से पूरा सब फैला पड़ा है, वहाँ पिलोस कुशन गिरे पड़े हैं, वहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब तीर्थ के कारना में है ये। तो ये मेरा जिम्मेदारी है, नीचे वाला फ्लोर मुझे साफ करना होता है। हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है हमको वॉलमार्ट से, मतलब ग्रोसरी वगैरह की, वॉलमार्ट से या स्वदेश से जो भी मिल लेंगे, क्योंकि थोड़ा इंडियन ग्रोसरी चाहिए। ये इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई थी आंचल ने, ये सब सामान ले लिए है, दो तीन चीजें नहीं मिली है, उसके लिए वॉलमार्ट चलते हैं। वॉलमार्ट ना यूजुअली आने का मन नहीं करता है, क्योंकि वॉलमार्ट का कैसा है ना, पार्किंग लॉट इतना ज्यादा बड़ा है ना, पार्किंग मिलती नहीं, लेकिन मेरे को देखो बिल्कुल सामने मिल गई इधर, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ पर वॉलमार्ट है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो दिन अच्छा है भाई। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भाई हम खुश हो जाते हैं। क्रीम लेने के लिए यहाँ पे आए थे, यहाँ पे 10% है, 18% है और यहाँ पे 5% है। 35% वाला क्रीम मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है, जो लेने आया था मैं वो मिल ही नहीं रहा है, बताओ। ये यहाँ पे मेरे को एक क्रीम दिखा है 35% वाला, लेकिन ये जो है ये व्हिपिंग क्रीम है। हम लोग हमेशा ना टेबल क्रीम लेते हैं, तो अभी मेरे को पता नहीं है कि टेबल क्रीम और व्हिपिंग क्रीम में क्या डिफरेंस है। आंचल कोई फ़ोन लगाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या ये लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। ये यहाँ पे ना आंचल ये 35% वाली व्हिपिंग क्रीम है, हम लोग ये नहीं लेते, हम लोग हर बार ये लेते हैं टेबल क्रीम लेते हैं, लेकिन इसमें 18% है, कौन सी लेनी है फिर? तो वही ले लो, 18% चलेगा, 18% चलेगा। इसका बड़ा वाला स्वदेश में मिल रहा है, तो वो ले लो। नहीं वो खराब हो जाती है, ओपन एडवांस पे वो खराब हो जाती है, तो ये छोटा वाला लेके आ जाऊँ। चलो सारी प्रॉब्लम तुम एक झटके में सॉल्व कर देते हो मेरी। हमने बैठ के कमेंट्स पढ़ रहे थे सारे जो पिछले वीडियो पे आए हैं, वो वाली वीडियो जहाँ पर मैंने आप लोग को पूछा था कि मुझे मेरी एप्पल वॉच ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड आई कैन नॉट बिलीव इट हमको कितने कमेंट्स आए हैं, बिलीव मी। ये देखो ये यहाँ से आप देखते जाओ, इतने सारे कॉमेंट्स है, मतलब तुमको कैसा फील हो रहा है? मेरे को तो बड़ा शौक लग रहा है कि सबने लिखा है। आई नो सबने लिख भी दिया, लाइक आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस यार, मतलब मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि लाइक आपने सच में वो कमेंट किए। एंड जिन लोग ने आज तक कमेंट्स नहीं किए थे, आई नो मैंने मैसेजेस पढ़े, कमेंट्स पढ़े कि कई लोग टीवी पे देखते हैं और नहीं मैसेज कर पाते क्योंकि टीवी में ऑप्शन नहीं होता है,
तो एंड उन्होंने लाइक ना स्पेशली फोन में लॉग इन करके लाइक चेक किया. इट इज सो स्पेशल एंड थैंक यू. आई रियली अप्रिशिएट इट सो मच. तो दिल से शुक्रिया एवरीवन. और इसीलिए ना मुझे सबके नाम लेने हैं जिसने भी कमेंट किया, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने कमेंट किया ना. मुझे ऐसा लगा कि यार कोई है देख रहा है और बोल रहा है कि भाई तू कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा 9 और 10 में. सबसे पहले तो यार मैं थैंक यू बोलता हूँ निलेश को. निलेश जो है वो हमेशा हमारे सारे वीडियोस पे कमेंट करता है. निलेश भाई थैंक यू सो मच. इसका कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा. निलेश बोलता है भाई इतने भी क्रूर मत बनो यार, खोल दे भाई गिफ्ट खोल दे. 15 एग्जैक्टली. और उसके उसने 15 मैसेजेस किए अकेले ने. बोलते हैं यू शुड ओपन द वॉच और बोलते हैं अब हो गए 15, अब तो खोल दे भाई. हाउ नाइस ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच निलेश. उसके बाद पार्थ, इसका कमेंट आई थिंक फर्स्ट टाइम आया है पार्थ का. एंड थैंक यू पार्थ, थैंक यू वेरी मच पार्थ, थैंक यू. और पार्थ ने लिखा है ओपन इट भाई. यस यस भाई, मैं मान रहा हूँ आप लोग की बातें. फिर उसके बाद सुमित मनन का आया है, सुमित मन का आया है. उसने भी लिखा है ओपन कर ले यार, सब लोग बोल रहे हैं ओपन कर ले. सब मेरे साइड है, सब तुम्हारे साइड है. फिर मेरे फादर इन लॉ ने बोला है कि जो भी मिलता है ना उसको धन्यवाद करो, क्योंकि गॉड तुम्हें वो देगा जो तुमको, जिसका ना टाइम आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो देगा. तो मैंने कहा यार ये भी बात बहुत बढ़िया है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड रखो. मेरे भाई ने कमेंट किया है, निखिल ने, बोल रहा है ओपन कर ले, 7 और 9 में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 9 और 10 में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा. एप्पल बस छोटे मोटे प्रोसेसर इधर उधर कर देगा, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देगा और प्राइस बढ़ा देगा. और उसने क्या लिखा मालूम है, उसने लिखा उसमें वो लोग क्या बोलेंगे पता है, 10 इज द बेस्ट वॉच एवर. ये उनका स्ट्रेटजी है, हर बार बोलते हैं वो लोग. मेरी मॉम ने कमेंट किया है ओपन इट डियर, इट्स अ गिफ्ट. आंचल का प्यार है इसमें. फिर सुनीता यादव जी है, उन्होंने लिखा है कि ओपन कर लीजिए, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं. ऑलमोस्ट 1 month से मैं देख रही हूँ फ्रॉम इंडिया हरियाणा. और इन्होंने लिखा है कि मैं स्मार्ट टीवी पर देखती हूँ इसलिए कमेंट नहीं कर पाती हूँ. यार आप स्मार्ट टीवी पे देखिए, लेकिन फोन लेके 2 मिनट के लिए अगर आप कमेंट कर देंगे ना इससे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को. आपके कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है ना, कि फीलिंग आती है, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है. एंड एक 2-way कम्युनिकेशन बन जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ हम अकेले बात कर रहे हैं आपसे. फिर साहिल हीरा अगेन, साहिल हीरा तो हमेशा हर वीडियो पे कॉमेंट करते हैं लाइक निलेश. उन्होंने भी लिखा है कि प्लीज ओपन द वॉच जब भी क्या है, प्लीज ओपन द वॉच जब भी जो मिले रख लेना चाहिए, गिफ्ट है ओपन कर लो. फिर उसके बाद आया है हमें कमेंट मेरी मदर इन लॉ का, नीलम अरोरा जी का, कि रख लो. और उन्होंने बोला है कि आचू ने गिफ्ट दिया है तो उसको हर्ट मत करो. मैंने कहा नहीं बात तो सही है यार, ये तो सही है. मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत बढ़िया कॉमेंट किया, उसने क्या लिखा उन्होंने, करिश्मा ने लिखा है ओपन जीजू दीदी नेक्स्ट टाइम ओपन गिफ्ट ओपन करके दे देना ताकि रिटर्न का बवाल ही ना रहे. मैंने बोला ये भी सही आइडिया है, थैंक यू करिश्मा फॉर पुटिंग दैट, मैं याद रखूंगी ये चीज. फिर एनए सिटी करके कुछ नाम है, आई डोंट नो, नाम नहीं दिख रहा है आपका, लेकिन आपने लिखा है आई वॉच ऑल योर व्लॉग्स एंड लव द कॉन्टेंट दो आई नेवर कमेंट बट आज तो बनता ही है, प्लीज ओपन द वॉच. तो मैंने कहा यार ये भी बात सही है, थैंक यू वेरी मच यार आपने आज कमेंट किया. ऐसे ही हमेशा कमेंट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है बिलीव मी. फिर एक और कमेंट है हशीर तोशी जी का, आई डोंट नो मैं करेक्ट बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आईडी जो ऐसी दिख रही है मेरे को, उन्होंने भी यही लिखा है ओपन कर देना, गिफ्ट को रिटर्न नहीं करना चाहिए. मैंने कहा ये बात भी सही, सब तुम्हारे साइड क्यों है यार, मेरे साइड कोई नहीं है. हाँ फिर एक गणेश जाधव करके हमारे फ्रेंड है, पापा के फ्रेंड है मेरे, उन्होंने भी लिखा है कि अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली मैं कमेंट करूंगा कि आप 10 लो, लेकिन अगर गिफ्ट मिल रहा है तो आपको गिफ्ट ओपन करना ही चाहिए, आपको गिफ्ट रिटर्न नहीं करना चाहिए. उन्होंने भी यही बोला है. तो लो है पापा के मेरे पापा के फ्रेंड और साइड तुम्हारी ले रहे हैं, बताओ यार सब लोग इसी की साइड ले रहे हैं. बट एनीवेज एंड ऑफ कोर्स आंचल ने लास्ट में रिप्लाई किया है थैंक यू सो मच. आप लोगों का इतना सारा कमेंट्स पढ़ के बिलीव मी बहुत अच्छा लग रहा है, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया. इतनी खुशी हो गई है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं अभी ही आप लोगों के साथ ये इसको अनबॉक्स करूंगा, वॉच को ओपन करूंगा. तो डिले नहीं करेंगे. डेट क्या है? आज है 26th July 8:06 शाम के. 21st को बर्थडे था, 5 दिन बाद. देर आज दुरुस्त है, आज इसको ओपन कर देंगे, आप लोगों के साथ ओपन करेंगे. बिकॉज आप लोगों के बेटा, बिकॉज ना आप लोगों ने इतना हेल्प किया डिसाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली ये बनता है यार, आपके साथ ही ओपन करना बनता है. जैसे वो कमेंट आया था ना कि इस व्लॉग पे तो कमेंट करना बनता है, तो यार ये व्लॉग में इस वॉच को आपके साथ खोलना बनता है. अग्रीड? चलो ठीक है, तो इसको ओपन करें. देयर यू गो, देयर यू गो, अनदर वन. ओ माय गॉड, माय हार्ट इज बीटिंग और मैं हार्ट रेट चेक भी नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, मैंने मेरी वॉच उतार के रखी हुई है. ओ माय गॉड, ड्रम रोल्स प्लीज. ये तो इसमें बैंड है. ओके,
I don't want to be the one packing thinking. Yeah. Packing एकदम of course यार. Last time इतना नहीं था. नहीं अच्छा ही था. So open करे. हाँ. पक्का ना. तुमने जो मांगे थे 15 कैमरे उससे ज्यादा आ गए हैं. हाँ हाँ मैंने गिने मतलब अगर मैं इंडिविजुअली भी गिन रहा हूँ लोगों के तो 13 कमेंट्स आए हैं. 13 डिफरेंट लोगों ने किए हैं यहाँ से. अच्छा यहाँ से भी है. ओके यहाँ ओ There you go. Thank you very much. Thank you for the gift. Thank you. इसमें वो नया वाला जो ब्रेडेड टाइप का उन्होंने चार्जर निकाला है ये वो वाला चार्जर है इसके अंदर. क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं व्हाट टिकी व्हाट अभी करेंगे 2 मिनट्स में करेंगे. ठीक है पापा वॉच पहन लो. यू गो टेल स्टे फेस. गो टेल स्टे फेस. ओहो पूरा सेटअप करना पड़ेगा. हाँ पहन के तो देख लो. गया पानी में. नहीं 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 पानी में नहीं. अंकल तीर्थ नहीं बेटा इसने ना जो मिलेगा ना इसको इसको जो मिलेगा ना पानी में फेंक देगा. मेरी नई नई एप्पल वॉच का डब्बा फेंक रहा है पानी में. ओए सो या आई थिंक दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. थैंक यू वेरी मच गाइस आप लोगों ने. ए टिक टिक नो अच्छा उसको मैं ये दे देता हूँ. टेक दिस ठीक है. टेक दिस गो थ्रो दिस. ये भी बड़ा चालू है इसको छोटा वाला नहीं फेंकना है. ये लो. तो फाइनली ये वॉच पहन लिए मैंने. थैंक यू वेरी मच गाइज आप लोगों ने बहुत हेल्प किया डिसाइड करने के लिए. सो डेफिनेटली मेरे दिल से थैंक यू है. आपके कमेंट्स आपने इतने किए उसके लिए थैंक यू है. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू. इसे लाइक जरूर कर देना. इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ. कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो कुछ क्वेश्चंस हो कुछ कमेंट्स हो कुछ सजेशंस हो कमेंट बॉक्स यूज करके कमेंट कर दीजिए. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ. से एक्टिंग करता है बोलता नहीं है ये.